हेलो गाइस, दिस इज़ वलीद रऊफ। तो भाई बहुत टेंशन थी, बाल टूट रहे थे, तो मैंने फाइनली फैसला कर लिया कि मैं पीआरपी करवा लूँ। और मैंने पीआरपी करवा भी लिया। यकीन माने कि कल तक मैं इतनी टेंशन ले रहा था कि मेरा क्या होगा, लेकिन मेरे दोस्त ने ला फॉर्मा से, जहाँ मैं बैठा हूँ, ला फॉर्मा क्लिनिक है, यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। उसने कहा था यहाँ से जाके करवा लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी मुझे टेंशन थी। लेकिन अब मैं पीआरपी मेरी हो चुकी, यकीन माने कि मुझे इतनी सी भी दर्द फील नहीं हुई। जो लोग कहते हैं पीआरपी में दर्द होती है, स्टिल मुझे नहीं अभी तक फील हुई। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बताया कि 4 से 5 घंटे के बाद आपको हल्की सी फील होगी अगर आप अपना हेड को डाउन रखेंगे, लेकिन अभी यकीन माने मुझे कुछ फील नहीं हुआ। और इसके अलावा अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ, तो यकीन माने कि बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मुझे, जिसको कहते हैं ना, सब कुछ ट्रीट किया है। सबसे पहले जो इनकी एक मुझे खासियत लगी, वो ये थी कि जब ये इंजेक्ट कर रहे थे ना, इन्होंने वाइब्रेटिंग डिवाइस एक यूज़ की, जिसकी वजह से आपका जो सारा ध्यान होता है, फोकस होता है, वो उस डिवाइस पे चला जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी मालिश हो रही हो सर की, ऐसे मुझे फील हो रहा था। मुझे तो फील ही नहीं हुआ कि मुझे कोई इंजेक्ट किया जा रहा है। हाँ, हल्का सा आपको जिसको कहते हैं ना, टच करते हुए कुछ फील हो, उस तरह की फीलिंग आ रही थी। और उसी दौरान में जिसको कहते हैं एनेस्थीसिया का प्रोसेस सारा हो गया, उसके बाद प्लाज्मा भी चला गया, पता भी नहीं चला मेरी पीआरपी हो गई। अब यकीन माने मैं बैठा हूँ, अभी 2 मिनट पहले मेरी पीआरपी हुई है, और मैं किस तरह से बोल रहा हूँ आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा। हाँ, जहाँ तक कुछ लोगों का एक कंसर्न होता है कि स्वेलिंग बहुत होती है, लेकिन अभी तक मुझे कोई स्वेलिंग नहीं हुई। हाँ, जब आप यहाँ पे नर्व ब्लॉक करते हैं ना, तो यहाँ पे आईब्रोज पे हल्की सी स्वेलिंग आती है, लेकिन वो भी एक और के अंदर ख़त्म हो जाती है अगर आप जिसको कहते हैं आइस को यूज़ करें तो। मेरी इतनी फील नहीं हो रही होगी, लेकिन हल्की सी अगर होगी भी तो वो एक और में ख़त्म हो जाएगी। फिलहाल अगर मैं बात करूँ ला फॉर्मा की, तो मुझे जिसको कहते हैं ना, बड़ा मज़ा आया, क्योंकि अभी ये मेरा फर्स्ट टाइम पीआरपी है। इससे पहले मैं कहीं नहीं गया, दोस्तों ने मेरे बड़े जगह से करवाई है, लेकिन जहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि भाई हमने दोस्तों कहते हैं ना, जेन्युइन रिव्यू देना है हमने, जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं किसी को प्रमोट करना है, ना जिसको कहते हैं किसी की फेवर करनी है, हमने जेन्युइन रिव्यू देना है। क्योंकि लोग आजकल बहुत ज़्यादा पीआरपी को ना फोकस कर रहे हैं, तो मेरी माने जिसको कहते हैं पीआरपी आप लाजमी करें, क्योंकि कल को जिसको कहते हैं आप गंजे हो जाएंगे, फिर आपने दुख करना है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो इससे बेहतर है ना कि पीआरपी करवा के जो बाल हैं उनको बचा लें। अब मैं आपको यकीन माने कि मैं आपको पूरे 4 सेशन का रिव्यू भी दूंगा कि मेरे कितना फ़र्क पड़ा है। अभी आपके सामने मेरी कंडीशंस है, बाल आपको नज़र आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद जब मैं सारे सेशन कंप्लीट करवाऊंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरी कंडीशन क्या है, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना फ़र्क पड़ा है। फिलहाल के लिए मैं कहूँगा कि ला फॉर्मा ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किया है। ये कोई जिसको कहते हैं मैं इनकी फेवर नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, और ये आप मेरे व्लॉग पर भी देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आया यकीन माने। हाँ, अभी जो 5 घंटे बाद की कहानी है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी तक मुझे जिसको कहते हैं ना, कुछ फील नहीं हो रहा, और अभी तक मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ। थैंक यू सो मच ला फॉर्मा कि आपने जिस तरीके से टेक किया है, मुझे ट्रीट किया है, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू सो मच।